देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिला मुख्यालय बड़वानी पर शिव शंकर होटल में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आक्रोश रैली के संबंध में अवगत कराया गया था। जन आक्रोश यात्रा 19 सितंबर से मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश में ये यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। लगभग 7 रथों के माध्यम से मध्य प्रदेश में शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अलग अलग रूटों के माध्यम से निकाली जाएगी, जो 13 दिन की होगी, जो कि इसमें एक रूट नंबर 6 पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया टीम लीडर होंगे। कल दिनांक 20 तारीख को खरगोन से प्रारंभ यात्रा निमाड़ और मालवा में 33 विधानसभाओं के करीब पहुंचेंगी। दिनांक 20 तारीख को सेंधवा में प्रवेश करेगी, जो पानसेमल होते हुए 21 तारीख को राजपुर पहुंचकर वहां से बड़वानी आएगी। ये जन आक्रोश रैली वर्तमान भाजपा के शिवराज सरकार के विरोध में निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक होंगे शामिल। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पानसेमल से महेंद्र सोनवणे की रिपोर्ट। जिनको 20 साल के बाद ये याद आया है कि ये पत्रकार वार्ता जो रखी गई है, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होगी। एक दिन में जो हमारा ये जो जन आक्रोश यात्रा का जो रथ है, एक दिन में 2 विधानसभाओं को टच करेंगे। कल से खरगोन से इसकी शुरुआत हो रही है और बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा में 20 तारीख को प्रवेश होगा। तो 20 तारीख को सेंधवा विधानसभा और उसके बाद पांचमल विधानसभा का दौरा होगा। उसके बाद 21 तारीख को राजपुर विधानसभा करते हुए बड़वानी विधानसभा में आएंगे। तो 20 और 21 तारीख को अपने जिले की चारों विधानसभाओं को जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से ये संपर्क होगा। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और उसके बाद बड़ी पब्लिक मीटिंगें होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जबरदस्त आक्रोश शिवराज सिंह और भाजपा की सरकार के प्रति लोगों का है। मुख्य मुद्दे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तो जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो बड़वानी जिले के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, जबरदस्त करप्शन है, बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई है, और अभी जो वर्षा हुई है, इस वर्षा ने किसानों की फसलों का नुकसान किया है। गांव जलमग्न हो गए, खेत जलमग्न हो गए, घर जलमग्न हो गए। और मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी हमारे जो पदाधिकारी बैठे हैं, वो भी हमारे सामने बैठे, वो भी सब जगह जगह का जो अभी जो संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो फसलों का, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं